नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव तो करीब है, राजनीतिक दल लगातार इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, घोषणाएं हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि बीती सरकारों की कमियां क्या थी और मौजूदा सरकार की कमियां क्या क्या हैं, ये गिनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस बीच हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने एक बार फिर से आपके बीच आ चुके हैं, क्योंकि हमने बीते हफ्ते में भी बीते शुक्रवार को इस मुद्दे पर बहस की थी और वो था 69,000 शिक्षक भर्ती मामला। उसके बाद जब हमने वो बहस की तो उसके बाद भी 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, लेकिन उस दौरान भी पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठी चार्ज की, कैंडल मार्च किया था उस पर भी लाठी चार्ज हुआ। इसके अलावा उन्होंने जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनके आवास तक पहुंचने की कोशिश की और उसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो सवाल यहां पर यही है कि लगातार 69,000 और 22,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं ये करीब 6 महीने से ज्यादा हो गया है और अपना प्रदर्शन जो है वो लगातार कर रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी भर्तियां क्लियर कब होंगी, हमें कब नौकरी मिलेगी। कई साल हो चुके हैं इस भर्ती को, क्योंकि 2019 में इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन था वो जारी किया गया था, उसके बाद 2020 में इसकी परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, कट ऑफ जारी हुई, उसके बाद कोर्ट में पूरा मामला गया, कोर्ट के बाद कई सारी सुनवाइयां हुई, कोर्ट ने कहा कि सरकार की तरफ से जो कट ऑफ जारी किया गया है उसी कट ऑफ पर भर्ती होगी, लेकिन उसके बावजूद ये भर्ती आगे नहीं हो पाई क्योंकि जो अभ्यर्थी थे वो दिल्ली चले गए और वहां पर भी कई सारे जो दौर की जो चर्चाएं थी वो हुई और उसके बाद विभागों की तरफ से ये कहा गया कि हाँ, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या फिर जो विभाग इस 69,000 शिक्षक भर्ती करवा रहा है उसकी तरफ से जो कट ऑफ जारी की गई है, दरअसल वो कट ऑफ अपने नियमों पर सही तरीके से नहीं स्टैंड करती है और उसके बाद से ये लड़ाई जो है वो शुरू हो गई और अभी तक लगातार ये जो अभ्यर्थी हैं, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी और जिसमें 22,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द हमें हमारी नौकरी दी जाए और एक लंबा समय बीत जाने के बाद अभी तक किसी प्रकार से कोई भी इनको गुंजाइश, कोई भी रास्ता नहीं मिला है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि अहम है बहुत ये विषय। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव करीब है, कई सारे मुद्दे हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुद्दों की बात अगर करी जाए तो महंगाई है, मुद्दों की बात अगर करी जाए तो बिजली महंगी है, मुद्दों की बात करी जाए तो किसान है, मुद्दों की बात करी जाए तो बेरोजगारी है। इन मुद्दों पर लगातार जो सत्ता है और जो विपक्ष है वो एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो अभ्यर्थी नौकरियों में जिन्होंने अपने फॉर्म भरे थे और ये उम्मीद लगाई थी कि जल्द से जल्द उन्हें नौकरी मिल जाएगी, वो लंबे समय से सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि भैया हमारी गलती कहां पर है, हमें नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। और जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, मंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें लठियाया जा रहा है, उन्हें लतियाया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। क्यों, ये क्यों हो रहा है? क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है? और अगर अधिकार नहीं है तो सरकार साफ तौर पर क्यों नहीं कह देती कि आपकी भर्ती अभी अधड़ में लटकी हुई है, आप अपने अपने घर जाइए, इसका कुछ भी नतीजा नहीं निकल सकता है। यह आश्वासन सरकार की तरफ से कब दिया जाएगा? फिलहाल हम इस डिबेट को शुरू करेंगे, कुछ बयान सुनिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आज बोलना उनको है जो इस डिबेट में अहम रोल निभाने के लिए आए हुए हैं, वो अभ्यर्थी जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और उसके अलावा सत्ता दल और विपक्ष दल, उनके बयान, उनकी बातें सुनना बहुत जरूरी है। इसी वजह से पहले कुछ राजनीतिक बयान सुनिए और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जिस तरह से बच्चे आज सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज बच्चों को किस तरह से पीटा जा रहा है, कहीं लातों से, कहीं घूसों से मारा जा रहा है, लाठियां टूट जा रही हैं, ये हालत है। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है उसमें पहले भी, आज जैसे कि पुण्यतिथि है अंबेडकर जी की, डॉक्टर अंबेडकर जी की, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी अगर जो आरक्षण को जो घोटाला किया गया है, जो आरक्षण को लेकर बच्चों के हक मारे गए हैं, कम से कम उस पर भी सरकार को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए और सरकार को उसको जो है सही करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से बच्चों के साथ आज नाइंसाफ़ी हो रही है, बेरोजगारी चरम पर पहुँच चुकी है, महंगाई हो वो भी चरम पर पहुँच चुकी है, उसको लेकर सरकार पूरी तरह से निश्चिंत है, किसी तरह का विकास उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा है जो इस सरकार कर रही है। 70 लाख नौकरियां देने का वादा करके ये सरकार सत्ता में आती है और उसके बाद 4 लाख का भी ब्यौरा देने में आज असमर्थ है और बच्चों को सरेआम किस तरह से धमकाया जाता है वो आप सबने देखा है।
तो अब ये समय आ गया है कि सत्ता से बेदखल करना चाहिए सरकार को, और ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो वाकई में जो कहे वो करे। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर कैंडल मार्च लखनऊ में निकाल रहे थे। उत्तर प्रदेश की योगी जी की पुलिस ने उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा। कमाल है भाई, योगी जी ये कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी बांग्लादेशी नहीं है, ये अपने उत्तर प्रदेश के लोग हैं और आप इनको दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हो। 2022 में यही शिक्षक अभ्यर्थी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे जो मेहमान है वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। रामनिवास यादव जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जावेद अहमद साहब हैं समाजवादी पार्टी से, और इसके अलावा निधि तिवारी हैं जो कि 22,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, और इसके अलावा अमरेंद्र सिंह हैं हमारे साथ जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। दरअसल ये दोनों भर्तियां एक ही हैं, लेकिन 22,000 के जो अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में ही हमें भी जोड़कर हमें जल्द से जल्द रोजगार दे। फिलहाल इस पूरे मामले को सही तरीके से समझा जाए और अभी तक इस पर कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकला है, इस पर भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले अमरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, मैंने अभी बीते दिनों भी इस मुद्दे पर चर्चा करी थी, उसके बाद भी आप लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की कोशिश की, कैंडल मार्च आप लोगों ने निकाला, लेकिन कोई रास्ता अभी तक नहीं निकला है। सरकार क्यों इस पर खामोश है, क्यों कुछ नहीं कहना चाहती, और 6 महीने से ज्यादा जहां तक हो चुका है आप लोगों को प्रदर्शन के, क्या दिक्कत है सरकार की? आप लोगों की कई दौर की वार्ता भी हुई है, कई लोगों से मुलाकात भी हुई है, कोई निष्कर्ष अभी तक निकला? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम युवाओं की आप आवाज बन रहे हैं, पिछड़े दलितों की आवाज बन रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। मेरे हिसाब से इससे बड़ी कोई संवैधानिक संस्था फिलहाल पिछड़े दलितों के लिए नहीं है। माननीय मोदी जी ये कहते हैं और योगी जी भी कहते हैं कि हमने पिछड़े दलितों के हक और अधिकार के लिए एक आयोग बनाया है, इनके किसी कोई इनका हक अधिकार लूट नहीं सकता। मैं ये प्रश्न है हमारा कि मैं जानना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया से, और जो हमारे साथ डिबेट में बैठे हैं रामनिवास यादव जी, हमारे ही वर्ग से आते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट क्या उत्तर प्रदेश सरकार कोरा कागज समझती है? क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट हम लोग 6 महीने से लेकर लखनऊ की सड़कों पर, आज ये पहली बार लाठी नहीं चली, हम लोग 6 महीने से लगातार लाठी खा रहे हैं, जाति सूचक गालियां खा रहे हैं, जूते खा रहे हैं, बोरों की तरह जैसे आलू के बोरे हों पकड़ के फेंक दिया जाता है, इको गार्डन में 6 महीने, अघोषित जेल है वो, हम लोगों ने जेल में, मतलब ये हम समझते हैं कि 6 महीने हमको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और हमारे डिप्टी सीएम हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जो हमारे वर्ग से आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे उत्तर प्रदेश की और हम युवाओं की, हम पिछड़े दलितों की, हमारी मांग हमारी चीज़ों को कभी मतलब ये दुर्भाग्य है कि केशव प्रसाद मौर्य कभी अपने वॉल से ये नहीं लिखे। 50 बार उनको हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, 50 बार ज्ञापन, एक बार ये आश्वासन तक नहीं देंगे, नहीं तुम्हारा काम नहीं। सब लोग मिलते हैं, चाहे जो अभ्यर्थी हो उनको उनका ज्ञापन और बताया जाता है कि नहीं ठीक है, ये सोशल मीडिया से मैं डाल दे रहा हूँ कि जल्द न्याय हो, लेकिन हमारे मुद्दे पे हमारे ही वर्ग के लोग, बड़ा दुर्भाग्य है कि रामनिवास जी हैं भारतीय जनता पार्टी में और इनके बच्चे, हम इनके बच्चे हैं, इको गार्डन में आज जाकर ये देखें कि वहाँ पर हम लोग भूखे प्यासे किन किन जिल्लतों को सह के खुले आसमान में सड़कों पर हम लोग रात बिताने के लिए मजबूर हैं। ये देश का और उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है, जब वोट लेने की बात आती है तो हमारे लोगों को भेज देते हैं कि तुम फलाने मंत्री हैं, प्रजापति हैं, फलाने मंत्री मौर्य हैं, फलाने मंत्री पटेल हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि ये मंत्री, जब हम अपनी आवाज़ लेके वहाँ जाते हैं इनके यहाँ, तो ये लोग बोलते हैं कि यार देखो हमारी चल नहीं रही है इस सरकार में, देखो हम बने तो हैं लेकिन चल नहीं। ये मैं अभ्यर्थी होके इस वजह से बोल रहा हूँ कि मैं इतनी पीड़ा सा हूँ। ऐसा कोई मंत्री नहीं है, ऐसा कोई विधायक नहीं है, ऐसा कोई सांसद नहीं जिनके समर्थन पत्र हम लोग मांगने मतलब गए वो लोग नहीं दे पाए। कुछ विधायक मंत्री थे जो दिए और मैं उनका आभारी रहूँगा कि कम से कम मेरी आवाज़ को बने। माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, वो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं पक्ष में होकर के, लेकिन ये सरकार नहीं समझ रही है क्या पिछड़े दलित की वोट, क्या कारण है इसका? कारण यही है कि हम पिछड़े दलित हैं। अच्छा, सीधी सीधी बात है, अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बता रहे हैं कि हम आपके लिए एक कमेटी बनाए हैं, या तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ये लोग मतलब एक तरीके से जलील कर रहे हैं, तो उससे बड़ी कमेटी क्या मुकुल सिंघल साहब बनाएंगे? क्या उसमें हमारे पिछड़े दलित हैं? मुकुल सिंघल साहब हमको न्याय देंगे?
अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पे नहीं बात कर सकते वो, तो क्यों नई कमेटी बना रहे हैं ये? जब 6 सितंबर को हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया, सरकार के आला अधिकारियों ने, सरकार के मंत्रियों ने कहा कि नहीं तुम लोग समय दो, ये कमेटी बैठ रही है, ये कमेटी आपको न्याय देगी, लेकिन आज तक हमें न्याय का न नहीं मिला, तो मैं कैसे जान लूं? बड़ा दुर्भाग्य लगता है। और आज तो हमारे हमारे समाज के ही भाई साहब बैठे हैं, मुझे निवेदन है आपसे जवाब लूंगा कि सत्ता पक्ष में है, पीछे दलितों की आवाज बनी है, ये आपके बच्चे हैं, अगर ये 20,000-15,000 से अधिक बच्चे नौकरी में होंगे तो आपका समाज जागेगा, आपका देश आगे जाएगा। ठीक है, निधि तिवारी हमारे साथ हैं, निधि तिवारी भी अभ्यर्थी हैं। निधि, क्या समस्या है सरकार को, और कई दौर की आप लोगों की मुलाकात भी हुई है और उसके बावजूद अभी तक किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकला? आप लोग सड़क पर उतर रहे हैं, आप लोगों को लठियाया जा रहा है, आप लोगों को जेल भी भेजा जा रहा है, लेकिन नौकरी नहीं दी जा रही है, क्या कारण लगता है आपको इसका? सर, पहली बात तो प्राइम टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे मुद्दे को उठाया आपने। सबसे पहली चीज़ है कि हमारा मुद्दा आज इतने बड़े स्तर पे उठा रहे हैं आप, क्योंकि अभी तक तो हमारे मुद्दे को कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता था। सर, ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा है और उसमें सिर्फ हमारी इतनी सी डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 1,37,000 पदों को 2 क्रमागत भर्ती में 6 माह के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार भरे। सर, 5 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट होने को जा रहा है, मैं पूछना चाहती हूँ इस 5 वर्ष में ऐसा क्या समस्या आ रही है कि ये 1,37,000 पदों को नहीं भर पा रहे हैं? और सर, ऐसे बेतुके टाइप के मतलब ये जवाब देते हैं हम लोगों को, ना तो ये हमसे मिलना चाहते हैं, ना हमारी ये बात सुनना चाहते हैं। जब जब शिक्षा मंत्री जी से बात की जाती है, ये कहते हैं इस भर्ती के रूल्स अलग थे और 68,500 के रूल्स अलग थे, ये दोनों अलग इंडिविजुअल भर्तियां थी। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर 68,500 की भर्ती अलग थी तो फिर किस बिहाब पर 2011 की वैकेंसी के जो 72,825 की वैकेंसी थी उसके बचे हुए पदों को आपने हलफनामा लगा करके किस बिहाब पे आपने 68,500 में जोड़ा, जबकि 68,500 के रूल अलग थे और जो 2011 की शिक्षक भर्ती थी उसके रूल्स अलग थे। 2011 की भर्ती में सिर्फ बीएड अभ्यर्थी बैठे थे और जो 68,500 की वैकेंसी उसमें सिर्फ बीटीसी अभ्यर्थी बैठे थे और इसके साथ साथ शिक्षा मित्र बैठे थे। इसके बाद 2011 की वैकेंसी में मैं बताना चाहती हूँ सर कि जो 2011 की वैकेंसी थी उसमें सिर्फ टीईटी के आधार पर, केवल टेट परीक्षा के आधार पर चयन सुनिश्चित किया गया था शिक्षकों का, जबकि 68,500 में टीईटी और सुपर टीईटी, यानी कि वैकेंसी का जो एग्जाम सुपर टेट था वो और प्लस यूपी टेट, दोनों ही चीजों को कराया गया था। तो उसमें और इसमें रूल्स तो सर पूरी तरीके से अलग थे, तो आपने वो सीटें यहाँ किस बिहाब पे जोड़ी थी? कैरी फॉरवर्ड का नियम सर क्या होता है कि जो भी सीटें रह जाती हैं लास्ट वैकेंसी की उसको आने वाली अगली वैकेंसी में हम फॉरवर्ड करते हैं। दूसरी चीज सर, एक न्यायालय भी कहता है कि भले ही कुछ अपराधी छूट जाए पर किसी निरपराध को सजा न मिलनी पाए, यह सुनिश्चित करना देश के मुखिया का कर्तव्य होता है और जो जिम्मेदार व्यक्ति उस पद पर बैठा होता है उसका दायित्व बनता है कि कोई भी निरपराध व्यक्ति के साथ कोई भी अन्याय ना होने पाए। सर, यहाँ इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि जनरल कैटेगरी के ही 97 नंबर जनरल कैटेगरी का कटाव रखा गया था सर, 97 नंबर पा करके जो 3 नंबर कॉमन दिए थे सरकार ने, जिन प्रश्नों पे किसी को आपत्तियां नहीं थी सर, उन 3 प्रश्नों की वजह से वो अनक्वालिफाइड व्यक्ति जो 90 या 97 पे पहुंचे हैं सर, वो डिस्क्वालिफाई थे लेकिन 3 नंबर कॉमन मिलकर वो क्वालिफाई हुए और 97 नंबर या 90 नंबर ला करके वो शिक्षक बन गए सर। और विडंबना देखिए ये है सरकार की कि जनरल कैटेगरी का ही 115 नंबर लाने वाला बच्चा आज धरने पर बैठा है। और सबसे ज्यादा दुख इस चीज का होता है कि जो 22,000 प्लस सीटें ऐड कराने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, सबसे चीज तो ये है कि वो इतने भोले लोग हैं कि उनके लिए सर ये नहीं कह सकते आप कि इनके अंदर जरा सा भी किसी तरह लेस मात्र का भी षड्यंत्र है। ठीक है, अच्छा, और ना ये ही बताइए, वो किसी पेड पार्टी के एजेंट हैं, क्योंकि बार बार शिक्षा मंत्री जी हमारे लोगों को कहते हैं कि ये सपा के भेजे हुए गुंडे। सर, छात्र की कौन सी पार्टी होती है? छात्र की जात सिर्फ छात्र होती है, ठीक है, वो स्टूडेंट है, वो योग्य है, वो 120 नंबर ला के अपने आप को क्वालिफाइड सिद्ध कर रहे हैं, अपनी योग्यता साबित कर रहे हैं। आखिर हम जाति धर्म हर मुद्दे पे बात करते हैं, योग्यता पे बात क्यों नहीं की जा रही है? ठीक है, अभी सुनिए, मैं एक चीज पूछ रहा था कि अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने कोई कैंडल मार्च निकाला था, जी सर, क्या हुआ था उस दिन? सर, क्या हुआ कि रात के समय शांतिपूर्ण तरीके से 1090 चौराहे से हमारे कुछ भाई बहन कैंडल मार्च लेकर के निकलते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। सिर्फ ये एक औपचारिकता थी कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे, क्योंकि सर हम लोग पानी की टंकी SCRT के अंदर है, हमें कोई देखने नहीं आता, हमारी कोई सुध लेने नहीं आता, हमारी कोई बात करने नहीं आता। सर, मीडिया स्पष्ट रूप से बोलती है कि हम सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकते। सर, हम क्या करें, हम अपनी आवाज को कैसे सुनाएं? तो हमें भी जो हमारे सूझबूझ के अनुसार हम जो कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी बातें जनता तक पहुंचे, हमारी बातें हमारी सरकार तक पहुंचे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आज पहुंचा पाए आप लोग उस दिन अपनी बात।
सर बात पहुंचाने ही पहुंचाना तो छोड़िए सर, हमारे भाई बहन मुश्किल से मुझे लगता है 200 मीटर भी नहीं जा पाए होंगे, 100 मीटर भी नहीं जा पाए होंगे। पुलिस प्रशासन के लोगों ने यह भी नहीं देखा, ना ही एक महिला पुलिस कांस्टेबल या कोई भी अधिकारी थी। और सर महिलाओं को भी गंदे तरीके से पीटा गया, पुरुषों को तो इतने गंदे तरीके से पीटा गया कि सर सारे वीडियोज आप वायरल देख चुके हैं कि किस तरीके से चोटें आई हैं, लाठियां टूट गई हैं, बावजूद इसके उन्हें पीटा जा रहा है, भद्दी भद्दी मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। शिक्षक के साथ आप ये कर रहे हैं, विश्व गुरु कैसे बनेंगे जब आप एक शिक्षक का सम्मान नहीं रख पा रहे हैं, उसकी अस्मिता को आप सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे आप शिक्षक बनेंगे और कैसे आप विश्व गुरु बनने की बात कर सकते हैं? ऐसे विश्व गुरु बनेंगे कि शिक्षकों को लात दो, गालियां दो, मारो, कूटो, इस तरीके से उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करो और इसके बाद कहो कि ये बदतमीजी कर रहे थे। सर कोई एक भी सिंगल वीडियो में आप ये दिखा दीजिए सर कि हमारे भाई बहनों ने कोई बदतमीजी की है। ठीक है, हर वीडियो सर ये बता रहा है कि कितनी निर्ममता पूर्वक हमारे धरने में जो बच्चे शांतिपूर्ण अपना मार्च कर रहे थे, कैंडल मार्च निकाल रहे थे, उनको किस तरीके से मारा है पुलिस प्रशासन ने। ठीक है, हम रामनिवास जी के पास चलेंगे। रामनिवास जी, चुनाव करीब है, आप लोग लगातार अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन 6 महीने से ज्यादा हो गया है ये अभ्यर्थी राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, कई बार आपके कार्यालय तक भी ये लोग पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे हैं, लाठीचार्ज हुआ है, कई बार आप लोगों की तरफ से बयान भी दिया गया है, लेकिन पेज कहाँ पर फंस रहा है, क्या दिक्कत हो रही है कि इन लोगों को अभी तक ना तो सही तरीके से कोई आश्वासन मिला है, ना ही कोई रिजल्ट इनको दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई तुम्हें भर्ती करेंगे भी या नहीं करेंगे। जिस प्रकार से अभी अमरेन जी और निधि जी बात रख रही थी, निश्चित रूप से आपकी पीड़ा है क्योंकि आपने भी परीक्षा दी और आपको जो है नौकरी मिलने का अधिकार है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से न्यायालय लोग चले गए, सरकार न्यायालय नहीं गई, कई छात्र गए, बच्चे गए जो उसमें छूटे, क्योंकि एक सिस्टम है, आपने देखा होगा अब तक 4 लाख भर्तियां हुई हैं, एक ही ऐसी भर्ती है जो बार बार न्यायालय जा रही है, तो समस्या जब न्यायालय इन्वॉल्व हो जाता है तो वहाँ सरकार के हाथ बन जाते हैं, यही कारण है कि इतना विलम्ब हो रहा है, और क्योंकि लगभग 4 लाख से ऊपर भर्तियाँ अब तक हुई हैं, इसमें इसके पहले भी तमाम टीचर बंधुओं की भर्तियाँ हुई, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आई, जहाँ कोई समस्या आई सरकार ने ठीक किया है, लेकिन आपकी पीड़ा है क्योंकि न्यायालय इन्वॉल्व है, न्यायालय से मैं आऊंगा आपके पास। आप मुझे देखिए, किसी भी आयोग के आदेश पे पूरे देश में कहीं अगर एक भर्ती हुई तो बताइए हमको, उसका भर्ती का एक सिस्टम है, भाई आप न्यायालय गए, न्यायालय ने भी बात पूरी नहीं सुनी आपकी, और आपने न्यायालय ने कहा कि नहीं आप जाइए जहाँ जो सिस्टम उसका है, भाई एक आयोग बना है उसमें भर्तियां हो रही है, कहना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की तरफ से जो कहा गया, नहीं आप समझिए बात, किसी आयोग के कह देन भाई आप अपनी बात रखे, आयोग ने कहा सरकार को आप इनकी बात सुनिए, सरकार आयोग नहीं है, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक आयोग नहीं कर सकते, इसी आप उस आयोग को बंद कीजिए, अमरे जी पहली बात, मेरी बात सुन लीजिए सर, देखिए समस्या यही आपके सामने उत्तर प्रदेश की और हमारे देश की, अमरे जी सुन लीजिए इसीलिए ये डिबेट रखी गई है कि आमने सामने बात, दरअसल है क्या ना समस्या यही आपके सामने है कि आप अपनी बात कहने का तरीका बदल देते हैं, आपको आपको जानकारी नहीं है, नहीं नहीं जानकारी नहीं, मेरे पास रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आयोग भाई, प्लीज वन भाई, अमरेन भाई पहले बोल लेने दीजिए, रामनिवास जी को बोल लेने दीजिए, अमरेन जी दरअसल है क्या ना कि आपकी बात सही है लेकिन आप कहने का तरीका जो है ये उचित नहीं है, भाई जब सुप्रीम नहीं सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी पे लाठी खाए वो तरीका गलत था, नहीं नहीं अब देखिए, अब आप जिस तरह से आप जिस तरह से आप हमारी मदद नहीं कर रहे, राम यादव हमारी मदद नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट गए, कल वही तरीका हम करेंगे, नहीं हमारे पास कोई तरीका नहीं, उसका सीधा तरीका है जो भर्ती प्रक्रिया है उसको अपनाइए, उसमें जो भी पात्र है उसको भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्ण कर चुकी है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पूर्ण कर चुकी है, अभी और भर्तियां होंगी, नहीं रिजर्वेशन के वजह से नहीं हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी बात को सर, सही नहीं माना, क्योंकि आप फिर आप दूसरे मुद्दे पे जाए, वो कटाव का मामला था, भर्ती को पूरा करने का मामला था, अमरेंद्र सिंह जी देखिए है क्या ना कि आप वायलेंस होकर अपनी बात रखते हैं इसलिए आपकी सही बात को भी लोग गलत समझ लेते हैं, फिर वही बात, भाई मैंने आपसे कहा ना कि आप आते ही आपने कहा कि केशव मौर्य पिछड़े समाज के हैं, रामनिवास यादव पिछड़े समाज के हैं, उसमें पिछड़े समाज के नहीं, बहन जी बैठी सामान्य वर्ग से हैं, आपको पीड़ा है क्योंकि आप अपनी बात को सही तरीके से रखिए, सरकार योगी जी की सरकार है, आपकी बात सुनेगी, जो भी उचित होगा उसको निर्णय करेगी, लेकिन आप राजनीतिक कारणों से, वही आपने कहा कि हम दलित है पिछड़े हैं, बिल्कुल दलित है पिछड़े हैं, नहीं बहन जी दलित है क्या, भाई बहन जी दलित है क्या, नहीं नहीं बहन जी क्या दलित है क्या, आप
आप राजनीतिक भाषा प्रयोग करके आप दलित चार लाख से ज्यादा भर्तियां हुई हैं, उसमें पिछड़े समाज के भी हुए हैं, दलित समाज के हुए, बेहतर पता है, मैं अभ्यर्थी हूं। आपको जानकारी नहीं फिर, क्योंकि आपको जब भर्तियों को नहीं पता है, सड़क पे बैठे हैं हम अभ्यर्थी, हमें जानकारी नहीं भाई। आप देखिए उसमें दलित पिछड़ा का नहीं है, जो जो जिसका आरक्षण हुआ है उस आरक्षण के अनुसार, आरक्षण के अनुसार जो भर्तियां थी वो हुई है और आगे जो भी भर्तियां होंगी उस पर आरक्षण के अनुसार भर्तियां होंगी। क्योंकि अगर आपकी बात को एक सेकंड में मेरा सवाल, प्लीज वन बाय वन एक एक करके, प्लीज एक एक करके। मेरा एक सवाल है सर, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने क्या गलत लिखा, वो आपके संवैधानिक सत्ता आपके बैठे लोग हैं, मैंने गलत कोई जज नहीं बैठा है, मैंने कहा कि आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में आपके मंत्री बैठे हैं, गया कोर्ट पे क्यों, एक सेकंड, कोर्ट पे आप क्यों जा रहे हैं ना, कि उत्तर प्रदेश सरकार इनकी जायज को मांग को माने, जायज मांग नहीं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पढ़िए, 15,000 सीटों वो अधिकारियों को जेल भेजा जाए इतना तक लिखा है, लेकिन उत्तर पर आप लोग पढ़ते नहीं, आप लोग सिर्फ आप रटा रटा बोल देते हैं, नहीं जिस तरह से आप सर गलत है तो गलत है, मैं आपसे नहीं, आप देखिए आप राजनीतिक भाषा प्रयोग करेंगे, मैं जान रहा हूँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है राजनीति में जाने की, आपने जिस तरह ठीक है न्याय नहीं दिया, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट राउंड में, सरकार है जिसने पिछले दलितों को न्याय दिया है, क्या न्याय बोल लेने दीजिए क्या कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, मैं देखिए प्लीज जो भी होगा उसको आगे न्याय देगी, देखिए मैं आप लोग वायलेंस होके आप आरोप प्रत्यारोप लगा के आप सही बात रखें, आपकी सही बात होगी तो आपका निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सही का प्रमाण आपको कहाँ से मिलेगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट से मिलेगा कि आपको और कहीं से मिलेगा, आपको कौन बताएगा सही गलत, ठीक है प्लीज मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट राउंड में आ रहा हूँ आप लोग के पास आ रहा हूँ, निधि जी प्लीज मैं आ रहा हूँ। जावेद अहमद हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, इनकी बात भी सुन लेना जरूरी है। जावेद भाई क्या दिक्कत हो रही है सरकार को, आखिर इस 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक लंबा समय बीत गया है, लगातार इन लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, सरकार से मांग की है, लेकिन अभी तक कोई भी रास्ता नहीं निकला है, क्या कारण हो सकता है, क्या लगता है आपको? नितिन जी, जहां पर करुणा दया शालीनता नहीं होगी तो संवेदनशीलता नहीं होगी, वहां की स्थितियां होंगी। अभी निधि जी ने भी बताया और अमरेन जी भी कह रहे थे, लेकिन उसको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1,35,000 भर्तियों को 6 माह में भरने का आदेश निर्देश दिया सरकार को, अब सरकार जो है उसको करना नहीं चाहती। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसको सिविल कोर्ट के पावर भी होते हैं, ये लोगों को मालूम होना चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट दी वो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जो पिछड़े वर्ग के अधिकारों का हनन किया गया, उनके कोटे की सीटें छीनी गई, उस पर उन्होंने रिपोर्ट दी और सरकार ने सीधे सीधे योगी जी की सरकार ने उसको मानने से इनकार किया, एक तरह से उसको खारिज कर दिया। सरकार में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जो भी हो वो इन अभ्यर्थियों से बात ही नहीं करना चाहता, आप किसी की आवाज को भी नहीं उठने देना चाहता, सच को मानने के लिए ये सरकार तैयार नहीं। इसमें पिछड़े का हो, इसमें आदिवासी अब कोटे का भी जो है एक समय हनन करने का 68,500 वाली भर्ती में किया गया था कि इसमें एसटी के बच्चे नहीं मिले, अभ्यर्थी योग्य नहीं मिले, उसको सीधे सीधे जो है अनुसूचित जात में शामिल किया जाना चाहिए था, उसमें भी जब बहुत बवाल हुआ तब उसको सरकार ने किया। लेकिन सरकार एक ही भर्ती का मामला नहीं है, ये सहायक शिक्षक में ये बच्चे पीटे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, ये किस तरीके से अपने घर को छोड़कर लखनऊ में पड़े हैं। अरे लोकतंत्र है इस देश के अंदर, हमारा संविधान अपने आप में सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम लोगों की पीड़ा को सरकार नहीं सुनेगी तो उसको कौन सुनेगा, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये बच्चे अमेरिका में जाएंगे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे। सरकार जिस मामले में रास्ते को साफ करना चाहती है तो वो 300 वकीलों की फौज अदालत में लगा देती है, और जिस मामले को वो बाईपास करना चाहती है उसमें वो टालती रहती है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आप बताइए, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की जो भर्ती चयन होने के बाद निरस्त हुई उसमें क्या पेश था, आपने परीक्षा कराई आपके पेपर लीक हो जाते हैं। आप बताइए कि पुलिस पीएसी सिपाही भर्ती में
35,000 से अधिक बच्चे आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जिनका चयन हो गया उनको नियुक्ति ने तो छोड़ दीजिए, उनको मेडिकल तक के लिए अभी नहीं भेजा गया। 49,000 की भर्ती थी उसमें 15,000 की नियुक्ति हुई। आखिर ये सालों से बच्चे भटक रहे हैं, ये जूनियर होते जा रहे हैं, इनकी उम्र होती जा रही है। ईश्वर न करे अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उनका तो जीवन समाप्त हो जाएगा। नहीं, ये एक चीज कह रहा था जावेद भाई एक चीज कह रहा था, रामनिवास जी कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला चला गया, इसी वजह से थोड़ी लेट लतीफी हो गई, इसी वजह से मामला क्लियर नहीं हुआ। मैंने उसी बात पे नितिन जी मैंने कहा कि सरकार के अंदर अगर इच्छा होती है तो मामला एक मिनट में तय हो जाता है। सरकार ये जो अभ्यर्थी है इनके पक्ष को अच्छी तरीके से जानती, चूंकि इन सरकार को बाईपास करना है, सरकार को नियुक्तियां नहीं करनी है, तो वो कोर्ट की यहाँ में छिपी हुई है। यही सरकार जब ये फंसती है किसी मामले में तो सॉलिसिटर जनरल से लेके इनके 300 वकीलों की स्टैंडिंग काउंसिल और दूसरे वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है और सरकार का पक्ष रख कर फैसला अपने अनुकूल हो जाता है। अनुकूल इसलिए हो जाता है कि सरकार उसके पक्ष में शपथ पत्र देती है। अच्छा। इन भर्तियों के मामले में वो चाहे 69,000 में पिछड़े वर्ग के कोटे का हनन का मामला हो या 22,000 में इसमें सामान्य या पिछड़े दलित के, नहीं, ये सब के साथ सरकार ने इस तरीके का अंधेरा कोहरा पैदा किया है कि इन बच्चों का जीवन जो है बर्बाद हो रहा है। इनकी आजीविका के लिए क्या दुश्मनियां पैदा की है ये सरकार में बैठे हुए लोग इतना जानते हैं कि हमें अपना हित कैसे कर लेना है। बेसिक शिक्षा मंत्री को जब अपने भाई का हित पूरा करना था तो सारे नियम कायदे कानून को साथ पर रख दिया गया था। बांदा के कृषि विश्वविद्यालय में जब एक जात विशेष के लोगों की भर्ती करनी थी तो सारे नियम कायदे कानून साथ पर रख दिए गए थे। और जब सिपाही भर्ती में 15,000 लोगों की नियुक्ति करानी थी तब उसमें कोई कानून आवे नहीं आ रहा था, लेकिन अब 35,568 बच्चे आज भी दर्दर की ठोकर खा रहे, वो भी लाठियां खा रहे। आखिर इन बच्चों का कसूर क्या है, इनकी आवाज को सरकार क्यों दबाना चाहती, मेरा तो यही एक प्रश्न है। ठीक है, ये बच्चे भी हमारे आपके देश के हैं, ये हमारे देश के भविष्य हैं और यही गुरु बनेंगे, यही भविष्य की पीढ़ियों को तैयार करेंगे। और उनके ऊपर अगर सरकार अपने बल पर लाठियां चलाएगी, अगर उनका उत्पीड़न करेगी तो ये तो उचित नहीं है। ठीक है, सरकार के अंदर इसका मतलब है कि संवेदनशीलता नहीं है, दया नहीं है और संविधान की उसके अंदर वो मूल भावना नहीं है। ठीक है, जिसके ठीक है, काम करना। ठीक है जावेद भाई, ठीक है। रामनिवास जी, जावेद जी की बात आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि आप लोग नहीं चाह रहे हैं, इसी वजह से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, जावेद जी तो तमाम रिकॉर्ड अपनी सरकार बता रहे थे, जैसे समाजवादी पार्टी की सारी भर्तियां कोर्ट में फंसी और इनके वहां तो स्लिप आती थी, एक शिवपाल जी के, अखिलेश जी के, मुलायम सिंह जी की। तो अभी इस सरकार में ये सब नहीं चलता, इस सरकार में भाई 69,000 हमने विज्ञापन निकाला, 69,000 शिक्षकों के हिसाब से भर्तियां हुई। देखिए विषय पे रहिए प्लीज विषय पे रहिए। जावेद भाई प्लीज, इन विषय बहुत गंभीर है जावेद भाई, विषय पे रहिए। गलत सलाह देके भाई, मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार ने 69,000 विज्ञापन शिक्षकों को भर्ती करने के लिए निकाला। हमारी सरकार की मंशा में वो समस्या होती तो शायद इतनी भर्तियां नहीं निकालती, सरकार ने निकाला। अब उसमें कुछ बच्चों का फंसा। एक सेकंड, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। yes. नहीं, नहीं, कि दो इसके चरण नहीं, में भरना है। नहीं, नहीं, आपके नहीं, 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 नहीं हो जाता सर, आप देखिए राजनीति पे मत जाइए। आप सुप्रीम कोर्ट दोबारा गए, सुप्रीम ने क्या अर्डर किया, 37,000 पदों को दो क्रमागत भर्ती में भरा जाए। आखिर क्या समस्या आ रही है? आप सरकार ने जो नियमानुसार था उसके अनुसार भर्तियां किया, उसके अनुसार जो भर्ती होगी भर्तियां हुई। सर, नियोक्ता को यह हक है कि वो विशेष परिस्थितियों में सीटें घटा या बढ़ा सकती है। ऐसी विशेष परिस्थिति कब आएगी? ये संसार में जितनी भी आज तक परीक्षाएं हुई होंगी शिक्षक भर्ती की पूरे संसार में, ये पहली ऐसी परिस्थिति है कि सेम कैटेगरी का बच्चा 97 नंबर पाकर नौकरी कर रहा है और 115 नंबर वाला वही सेम कैटेगरी का बच्चा बाहर बैठा है धरने पे। अब इससे बड़ी परिस्थिति और क्या होगी सर, बताइए आप मुझे, इससे बड़ी परिस्थिति क्या हो सकती है कि सेम कैटेगरी का लड़का 97 नंबर लाकर के नौकरी कर रहा, 90 नंबर लाकर के नौकरी कर रहा और उसी कैटेगरी का बच्चा 115 110 नंबर लाकर के बाहर बैठा है, इससे बड़ी परिस्थिति हो ही क्या सकती है? आप बताइए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी समाज में कि एक ही कैटेगरी का, एक ही
न्याय के सिद्धांत को अपनाइए। आप तो न्याय के सिद्धांत के यहाँ तो बलबली वंश चल रहा सर। मुझे तो कहीं बीजेपी में ये दिख ही नहीं रहा। लोग कहते हैं बीजेपी सवर्णों की सरकार है। सर मैं बीजेपी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे चाचा खुद मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के और लगातार हमारा घर बीजेपी को सपोर्ट करता आ रहा। और मैं और मेरी पूरी फैमिली तीन पीढ़ियों से हम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद अगर हमको कहा जाता है कि वो सपा के भेजे हुए गुंडे हैं, सपा के द्वारा निर्देशित किए जा रहे हैं, सर एक भी साक्षी आप बता दीजिए कि जो 69,000 में 22,000 प्लस सीटों को जुड़वाने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, उसका किसी भी पार्टी से कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन है, किसी भी तरह आर्थिक या किसी भी तरह का कोई सहयोग है? एक भी मुद्दे पे आप हमें गलत साबित करके दिखाइए सर। मेरे कहने का मतलब है न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ पूरी तरीके से न्याय करना चाहिए। आप नियोक्ता हो, जियो में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीटें विशेष परिस्थितियां में गड़बड़ सकती है, तो इससे बड़ी विशेष परिस्थितियां संसार में कभी नहीं आई। ठीक है, जवाब लेने दीजिए। निधि जी अभी आपने बात रखी जी सर, आप सामान्य वर्ग से हैं। अभी अमरेन जी जैसे अमरेन जी शुरू हुए, उन्होंने पहले वर्ड में बोला कि पिछले दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, हम लोग पिछले दलित हैं इसलिए भर्तियां नहीं हो रही। अगर ये बात आप भी कहती तो समझ में आता, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपकी बात सही है, लेकिन आपका कहने का जो अपनी बात है वो तरीका गलत है। भाई आप अगर आपको अपनी बात रखनी है, आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात नहीं सुनी, क्योंकि आप अगर अपनी सही बात रखेंगे कोई सरकार नहीं चाहती। या खास कर नहीं मैंने कहा ना कि आप जिस तरह से आपके साथ में अमरेंद्र जी बैठे हैं, उन्होंने जिस तरह से आके पहले शब्द बोल दिया कि पिछड़े और दलित है, सबकी अपनी अपनी समस्या है भाई। आप लोग न्यायालय गए, न्यायालय भी अपनी आपकी बात नहीं सुना ना, तो कहीं कहीं की समस्या ही है। और आप न्यायालय बात नहीं है, आप नहीं कोई बात नहीं। न्यायालय कौन गया? कोई न्यायालय नहीं गया है। न्यायालय आप न्यायालय भी आप लोग, अरे सर नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं अभी हाई कोर्ट में मामला नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार का पिछड़ा वर्ग आयोग से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से रिपोर्ट हमें पता, हम उस रिपोर्ट पे न्याय मांग रहे हैं। अब न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हमको भेज रहे हैं, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? आप देखिए, आप अगर प्रवक्ता, आप अगर सरकार को हमारी बात पहुंचा सकते हैं तो बताइए, लेकिन आप गलत तरीके से मिलेगा। सर मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे 22,000 प्लस पदों को जुड़वाने के लिए जो संघर्षरत हमारे भाई बहन हैं, जो 115-20 दिन हो गए हैं, हमारी बहन शिखा पाल जी पानी की टंकी पे बैठी है, 5 दिन मैं आमरण अनशन पे बैठी हूँ, मेरे साथ भाई आमरण अनशन पे बैठे हैं सर, षड्यंत्र करके पुलिस प्रशासन का दबाव डाल के हमारा आमरण अनशन तक जुड़वाया गया ताकि हमारी चीजें हाईलाइट ना हो पाए, हमारे मुद्दे को शीर्ष स्तर तक कोई सुने ना और कोई भी उसको तवज्जो ना दे। सर आखिर हम बाकी सारी चीजों की बात करते हैं और बीजेपी तो आई ही योग्यता के लिए थी। बीजेपी अच्छा, पानी की टंकी वाला क्या बता रही थी? सपा भगाओ पानी की, नहीं निधि, पानी की टंकी वाला क्या बता रही सर? पानी की टंकी पे 11 अगस्त से हमारी बहन शिखा पाल पानी की टंकी पे 11 अगस्त से अनवरत बैठी हुई है। अच्छा, और कुछ भाई भी हमारे बैठे हुए हैं सर। 5 दिन 15 अगस्त से अनवरत हमारा आमरण अनशन चल रहा था पुलिस प्रशासन के द्वारा। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे आमरण अनशन को षड्यंत्र पूर्व तरीके से जबरदस्ती फोर्सफुली हम लोगों को ले जा करके तुड़वाया हमारा आमरण अनशन भी, और इसके बाद बराबर हमारा दमन करने की कोशिश की जा रही बीजेपी सरकार में, जबकि हम इनके बच्चे हैं और बार बार ये कहकर हमें संबोधित किया जाता है कि हम सपा के भेजे हुए एजेंट हैं, सपा के भेजे हुए गुंडे हैं, इस तरीके के शब्द हम लोगों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। सर शौचालय इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, ठीक है सर? सरकारी बिल्डिंगों का शौचालय इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, महिलाओं को सर, पुरुषों को तो छोड़िए सर, महिलाओं को इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। भीगती बारिश में भी बाहर शौच पे जाइए आप अगर आपको जाना है तो, लेकिन सरकारी बिल्डिंग्स में आप शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सर बातें करते हैं बड़ी बड़ी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी को आगे बढ़ाओ, और क्या ये भी बताएंगे अब कि बेटी को टंकी पे चढ़ाओ, बेटी को लात जूतों से मरवाओ, बेटी को पुलिस के द्वारा कपड़े फड़वाओ, ये भी सर उसी में शामिल है। ठीक है सर, मैं जानना चाहती हूँ जो जो ज्यादतियां हमारे साथ, ठीक है प्लीज नहीं, जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो लेने दीजिए। जेल गए हैं। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। देखिए ये डिबेट इसीलिए रखी गई है कि हम ज्यादातर जो जवाब है वो रामनिवास जी से ले या सत्ता से ले। तो अगर आप लोग अपनी बात रखते हैं, क्योंकि आप लोग अपनी बात 6 महीने से रखते आ रहे हो, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो ज्यादातर चीजें इनसे निकलने दीजिए, शायद कोई रास्ता निकला है। देखिए यहां पर बैठने का मेरा ये तरीका नहीं कि हम अपनी बात आकर कहते रहे, वो ठीक है अच्छी बात है आपने अपनी बात कही, लेकिन रास्ता निकलना चाहिए, मैं ये जानता हूं। और उस रास्ते को निकालने के लिए कहीं ना कहीं ये चर्चा बहुत जरूरी थी। रामनिवास जी हमारे साथ बैठे हैं, कई चीजें उन्होंने बताई, कई टेक्निकल पॉइंट्स उन्होंने बताए कि कहां पर क्या लूप हो सकता है,
रहा है, कहां पर क्या दिक्कतें हैं, कहां पर क्या समस्याएं हैं। तो अगर उन समस्याओं पर हम चर्चा करके उसका रास्ता निकालें तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको भी वो चीज बेहतर, उसका रिजल्ट निकलेगा, उसका नतीजा निकलेगा और सरकार से आपका जो सवाल है उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो रामनिवास जी, सबसे अहम बात है क्योंकि चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में करीब है, ऐसे में समस्या इन लोगों को हो रही है, ये तो आपको भी पता है, सबको पता है और हम सब काफी दिनों से देख रहे हैं, लेकिन हमारी और इन बच्चों की लगातार कोशिश यही है कि इनकी मांग मानी जाए। तो आप किस तरह से इसको देखते हैं और कैसे इसको आगे पहल करेंगे कि हाँ जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण जो है वो निकाला जाए? नहीं, निश्चित रूप से आपकी समस्या है, आपकी समस्या का निस्तारण होना चाहिए और सरकार करेगी, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि आप अपनी बात कहने का तरीका जो चेंज किया आपने वो उचित नहीं। भाई आप ही के साथ के साथी लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 4-5 महीना चला, उसके बाद दिमाग में क्या चल रहा है, उनके सामने क्या समस्याएं आई हैं, तब तक आप अपना रास्ता कैसे निकालोगे और उनसे कैसे उम्मीद रखोगे कि वो हमें रास्ता दे देंगे? तो तब तक पहले उनकी बात तो सुनिए कि आखिर क्या दिक्कतें फंस रही हैं, कहां पर क्या समस्याएं आ रही हैं, तभी तो किसी चीज का रास्ता निकाला जा सकता है। भाई आप, मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरे देश में एक भी विभाग हो जहां उसके पिछड़ा वर्ग आयोग कहने से किसी आयोग कहने से भर्तियां हुई, भर्ती की अपनी एक प्रक्रिया है। फिर सर आप गलत नहीं, आप आयोग के कहने से भर्ती नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं सुन तो लीजिए, पहले क्या प्रक्रिया है, प्रक्रिया सरकार जैसे उसको जोड़ देगी भर्तियां हो जाएंगी, लेकिन आपका जो तरीका है कि भाई जैसे आप जैसे शुरू हुए आप केशव जी को हमको और पिछड़ों दलितों के विरोधी हैं, तो समस्या ये नहीं, समस्या कि आप छात्र हैं। देखिए कोई भी राजनीतिक कारण मैं चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं आप प्रयोग करेंगे तो आप अपनी बात हल्का करेंगे, क्योंकि आप छात्र हैं, आप छात्र के सामने बात रखिए। योगी जी से अच्छा न कोई मुख्यमंत्री आया है न कोई आगे होगा। अगर योगी जी के कार्यकाल में आपका भला नहीं हुआ तो मैं दावे साथ कह सकता हूं इस देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं जो आपका भला कर सके। हाँ, मैं एक चीज यहाँ पर कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता, सुन लीजिए, मैं अमरेन जी निधि जी प्लीज सुन लीजिए, मेरी तो सुनिए, ठीक है मेरी बात सुनिए। देखिए पानी की टंकी पे 120 दिन हो गए एक महिला को बैठे हुए, सर कब न्याय मिलेगा? ठीक है, देखिए पहली चीज तो ये कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार या कोई भी राजनीतिक दल किसी जात विशेष को लेकर के अपनी जो समस्याएं हैं वो पैदा करें। जैसे कि अभी जो बातें हो रही थी कि एक विशेष वर्ग से हम लोग आते हैं इस वजह से ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं चीज मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। भर्ती को लेकर के जो समस्याएं सरकार के सामने, देखिए उत्तर प्रदेश का युवा भी बहुत समझदार है, मैं आपको बताऊं होता क्या है कि 7 बजे सुबेरे वो पेपर में नोटिफिकेशन पड़ता है, इश्तिहार पड़ता है कि भैया इसका आने वाला है फार्म, इसका फार्म भरना है और नौकरी के लिए जाना है। लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो पहले वकील ढूंढने लग जाते हैं कि हमें इस मुद्दे को लेकर रीट करनी है, और ये करीब 15 सालों से चलता आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और इसी वजह से हम जैसे युवा, आप जैसे युवा इन अधड़ रास्तों में फंस जाते हैं, परीक्षा देने के बाद नतीजा नहीं निकलता है, नौकरी नहीं मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं हमें और आपने दिमागों में भी रखना पड़ेगा कि आखिर ये समस्याएं दोनों तरफ से हो रही हैं, एक तरफा समस्या नहीं है। बात आपकी भर्ती की रही, आपकी भर्ती में जिस तरह से कट ऑफ को लेकर जो समस्याएं आई हैं, बाकी चीजों को लेकर जो समस्याएं आई हैं, उसके लिए लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार से मांग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंट में हमारी भी कुछ अधिकारियों से बात हुई है और ये कहा जा रहा है कि कुछ रास्ता खोजा जा रहा है, तो उस रास्ते का निष्कर्ष क्या निकलेगा, वो रास्ता क्या है क्या नहीं है, इस पर चर्चा करना ज्यादा जरूरी है कि समस्याएं क्या रही। जैसे रामनिवास जी बता रहे हैं कि आयोग के कहने पर भर्तियां नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने इस बात को अपनी तरफ से कह दिया है, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से दूसरा रास्ता निकल रहा होगा। जवाब देना चाहते हैं इस पे। देखिए सर, जो सर बोल रहे हैं रामनिवास जी, सीधी सीधी बात, आयोग के कहने पे भर्ती नहीं हो रही, ये भर्ती पूरी हो चुकी है, आयोग ने ये बताया है, जिसमें रिजर्वेशन का वायलेंस होया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आयोग क्यों बनाया गया है, पहली बात आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगा, आयोग क्यों बनाया गया है ये बता दीजिए हमको, बहुत जरूरी है। अमन जी, इस आयोग को संवैधानिक दर्जा केंद्र सरकार के मोदी जी ने दिया है, अगर नहीं, बात तो पूरी सुनिए, अगर कहीं कोई अधिकारी वायलेंस किया होता तो उसको अधिकार है अधिकारी को गिरफ्तार कराने की, उसके ऊपर जुर्माना लगाने की, सारे अधिकार हैं। अगर आपकी बात में जो आप कह रहे हैं कि वास्तव में उसने आदेश दिया आयोग ने और प्रदेश सरकार नहीं, तो अब तक अधिकारियों को खींच ली गई होती,
लेकिन कहीं ना कहीं समस्या है, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट मामला है, तो होता क्या ना जब मामले कई जगह होते हैं तो सरकार फूक फूक कदम रखती है। अब अगर इस तरह कोई बच्चा जब उसे जिद करने लगे हमको नौकरी दो हमें नौकरी दो, तो सरकार की नौकरी देने की प्रक्रिया है। और मैं कह रहा हूं कि दावे फात कह सकता हूं कि जो भर्तियां अब तक हुई उत्तर प्रदेश सरकार की निष्पक्ष हुई और बिना किसी उसके हुई, लेकिन कहीं कोई समस्या है उसको आप सही तरीके से रखेंगे उसका निस्तारण होगा, क्योंकि अगर योगी जी के रहते हुए इसका निस्तारण नहीं हुआ तो कोई सरकार इसका निस्तारण नहीं कर सकती। सर पहली बात मैं तो ये क्या उम्मीद लगाई जाए कि आप लोग इसका रास्ता कुछ निकाल रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से जो भी उचित होगा सरकार हमारी करेगी, क्योंकि आप सब पीड़ित हैं, आपकी पीड़ा को सरकार समझ रही है और उसका निस्तारण कोई ना कोई रास्ता निकालेगी, लेकिन उसका निकालने का तरीका सरकार खोज रही है, उस तरीके से निकालेगी। दिक्कत ये है सर कि ना अभी कोई मामला ऐसा सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में सब जुडिस मैटर है, लेकिन उस पर एक साल से सुनवाई हुई नहीं, उस पर सुनवाई नहीं हुई है। आप जो कह रहे हैं सुप्रीम, पहली बात नहीं, सर, भाई हाई कोर्ट भी न्यायालय है ना, अगर न्यायालय में कोई मामला मतलब चल रहा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग न्यायालय नहीं है। नहीं, अगर आपको लगता है तो फिर भाई वहां से ऑर्डर हुआ। नहीं, नहीं, मेरे लिए मोदी जी ने बोला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एक संवैधानिक संस्था है। नहीं, अमरेन्द्र जी, दरअसल समस्या आप सामने यही है कि आप राजनीतिक शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। आप अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी का भाई, अगर आप हाई कोर्ट को हाई कोर्ट को रास्ता निकालने में मान यहां पर राजनीतिक चर्चा नहीं करने में बैठा हूं। देखिए प्लीज, मोदी जी के नाम पे तो निश्चित रूप से योगी जी मोदी जी के नाम पे, मैं यहां पर अमरेल आप भी सुन लीजिए, मैं यहां कोई राजनीतिक चर्चा करने नहीं बैठा हूं, मैं यहां पर आप लोगों के मुद्दे को इसीलिए लेकर बैठा हूं ताकि कोई रास्ता निकले। तो किसी धर्म विशेष पे निकालेंगे सर? देखिए रास्ता मैटर है, चर्चा किए बिना देखिए आप लोग प्रदर्शन, सुनिए मेरी बात, सुनिए, आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आप हर चीज करने जा रहे हैं लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा। मैंने यहां पर एक ओपन नहीं मिला, मैंने एक ओपन 6 महीने से बैठे हैं, मैंने कहा आपको तो आप यहाँ पहले हमारे आंदोलन में आते, आपका आचरण आपको पीड़ा होता है। सरकार सुन लीजिए, अपनी बात रखिए, प्लीज प्लीज प्लीज, भाई मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए, आप लोग प्रदर्शन, सुन तो लीजिए मेरी बात भाई, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा, क्योंकि किसी से आपकी मुखातिब सीधी सीधी बात नहीं हो रही है। करना नहीं चाह रहा, तो इसी वजह से इस डिबेट को रखा गया। देखिए भाई, इसी वजह से ये डिबेट रखी गई है ताकि आप सामने सामने बात कर सके और उसका रास्ता निकले। मैं सब कुछ कहना चाहती हूँ, शिक्षा मंत्री जी बार बार जब भी चैनलों पे आते हैं आकर के अपने शाही फरमान सुनाते हैं और चले जाते हैं। सर ये कोई तरीका नहीं होता है। सर अगर अभ्यर्थी पीड़ित है, आप उनकी बात सुनना क्यों नहीं चाहते? मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने गई, सर उन्होंने बुला करके मेरी बात सुनने की जगह अपना शाही फरमान मुझे सुनाया कि ये सीटें अलग है, वो सीटें अलग है, ये वैकेंसी अलग है, नहीं हो सकती। तो मैंने कहा सर कैसे नहीं हो सकती और कैसे हो सकती, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने बताया कि सर 68,500 में जब कुछ सामान्य वर्ग के बच्चे रह गए थे और सामान्य वर्ग की सीटें नहीं बची थी, तो आपने 2011 की जो रिक्त सीटें थी उसका हलफनामा लगा के प्रॉपर वो सीटें यहां लगा करके आपने 68,500 में बच्चों को नियुक्ति दी थी, फिर किस बिहाब पे दी थी? और अगर उसके रूल्स अलग थे तो इसके कैसे नहीं अलग? कहते इन्होंने हमसे बोला, शिक्षा मंत्री जी ने, कि 68,500 में बीटीसी और शिक्षा मित्र थे और इसमें बीएड बीटीसी और शिक्षा मित्र हैं, तो कैसे इसमें हम वो सीटें जोड़ दें? तो मैंने वही चीज उनसे बोली थी वहां पर, तो तुरंत खड़े हो गए थे शिक्षा मंत्री जी। मैंने कहा सर 2011 की वैकेंसी में सिर्फ बीएड शामिल था और उसमें सिर्फ टीईटी से भर्ती की गई थी, और सर इसमें टीईटी और सुपर टीईटी से भर्ती हुई थी 68,500 में, और 68,500 में सिर्फ बीटीसी और शिक्षा मित्र था, बीएड नहीं था। तब आपने बीएड वालों की सीटें जो 68,500 में जोड़ी थी कैसे जोड़ दी थी? आपके रूल्स बनाने के लिए जब आप नियोक्ता है तो आप किसी भी तरीके से अपने हलफनामा लगा देते हैं और रूल्स तैयार कर देते हैं। आपने जियो में स्पष्ट लिखा था कि किसी भी तरह का संशोधन नहीं होगा और कोई भी चीज अगर त्रुटिपूर्ण पाई जाएगी तो आप पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर ये स्पष्ट रूप से आपने हम लोगों से साइन करवा के लिखवाया था फॉर्म भरते समय, और सर संशोधन हुआ, लोगों को ज्वाइनिंग कराया गया, और आज सर सिर्फ यही विडंबना हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी विषमता है कि एक ही वर्ग का व्यक्ति उससे ज्यादा नंबर वाला बाहर बैठा है, उससे कम नंबर वाला अंदर गया है, बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट नॉट माइन। हम लोगों ने कोई गलती नहीं की, हमने परीक्षा दी और शिद्दत से परीक्षा दी और अच्छे नंबरों से टॉप किया। अब सर फूलकली देवी, जिसको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता, वो 143 ले आ सकते हैं, सर उनको सुपर पावर आपने दे दी होगी, पर सर हम अभ्यर्थी हैं, मैं सिविल की तैयारी करने वाली हूं, मैं 115 से 120 नंबर ला सकती हूं सर, लेकिन मैं 150 में से 150 नहीं ला सकती, क्योंकि मैं फूलकली नहीं बन सकती, मैं डीजे वाले बाबू नहीं बन सकती सर, मेरे कोई लिंकअप नहीं है पॉलिटिकल कि मैं जाकर के
बोलूं कि मुझे पेपर प्रोवाइड करा दीजिए या कोई सरकारी या किसी से भी, हमारा कोई ऐसी तरह का नहीं है सर, हम ईमानदारी से जी सकते हैं। जल्दी से बोलिए, जल्दी से। मैं सर से चाहूंगा कि ऐसा कोई रास्ता हमको बता दीजिए कि जो अभ्यर्थी वाला रास्ता खोजने ही बैठे हैं। नहीं सर, बता दें कि कैसे हम बोले कि ये भारतीय जनता पार्टी के महोदय जी को समझ में आए। मैं पूछ लेता हूँ जावेद भाई, आप पहले बताइए कि क्या रास्ता निकालना चाहिए और कैसे सरकार को इस पूरे मुद्दे पर सोचना जरूरी है। देखिए नितिन जी, बहुत स्पष्ट है इसमें, कहीं कोई अगर सरकार जिस दिन करने पर आ जाएगी और उसके अंदर ये भावना आ जाएगी कि हमें इन बच्चों के साथ न्याय करना है और अन्याय जो हमने किया है उसका प्रायश्चित भी हो जाएगा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सरकार अगर आगे बढ़ती है तो ये पूरा मामला अपने आप निस्तारित हो जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, जो पिछड़े वर्ग के सीटों का जो घोटाला किया गया है भर्ती में, इसमें जो अभी रामनिवास जी कह रहे थे, हम भी जानते हैं, हमने भी खूब लड़ाई लड़ी है मंडल कमीशन की, जबकि हमको उसका लाभ कुछ भी नहीं मिल रहा था। इसमें सीधा सीधा मामला था, सीधा सीधा मामला है कि आप पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट दी है ये सच है, पिछड़ा वर्ग आयोग किसी को नौकरी नहीं देगा, ये हम भी जानते हैं, लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया है और वो किसी भी बात को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की मानने के लिए तैयार नहीं है, ये तो अन्याय हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, जो सिफारिशें की है, अगर उसको मान ले और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मान ले, तो ये पिछड़े वर्ग के जो सीटों का घोटाला हुआ, जो 22,000 अभ्यर्थियों का मामला है, जो 1,37,000 की एक संयुक्त भर्ती के लिए 6 माह में निर्देश किया था, ये सब चीजें निस्तारित हो जाएंगी। लेकिन सरकार क्यों नहीं करना चाहती है ये समझ से परे है, और जब समझने का प्रयास किया जाता है तो यही है कि उत्तर प्रदेश की यह सरकार किसी कीमत पर इन बच्चों के साथ न्याय नहीं करना चाहती। ठीक है रामनिवास जी, सवाल के जवाब। रामनिवास जी, क्या रास्ता निकालेंगे आप लोग, कैसे क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है हम लोगों को, इन छात्रों को भी, इन अभ्यर्थियों को भी, आप लोगों से सारी उम्मीद इनकी है। और मैं कोई राजनीतिक जवाब आपसे नहीं चाहूँगा, मैं खाली इतना चाहूँगा कि एक जिस तरह से एक अभिभावक बैठता है सबके बीच में, उसी तरह से इस वक्त आप बैठे हुए हैं, और आप इन लोगों को एक रास्ता कुछ बताइए कि क्या आगे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। नहीं नितिन जी, निश्चित रूप से आप सब पीड़ित हैं और आपकी मांग जायज़ है कि सरकार को मानना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जैसे हाईकोर्ट का मामला भी आपने रखा कि हाँ हाईकोर्ट चल रहा, तो समस्या होता क्या है ना कि अधिकारी जो हमारे हैं वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट डरते हैं, उनको लगता है कोई ऐसा, क्योंकि पिछले जो भी अधिकारियों ने गड़बड़ी की कई अधिकारी जेल चले गए, तो इसलिए सरकार के अधिकारी, सरकार बगैर सोचे समझे इसका जो सही तरीका होगा उसको करेगी, और बिना ऐसे किसी के आदेश पे या जबरदस्ती दबाव बनाने पर भर्ती नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी भर्ती कर देंगे आगे वाले कोर्ट चले जाएंगे, तो जवाब उनको देना होगा। इसीलिए सरकार नहीं, क्या यही है ना कि आप किसी की बात सुनते नहीं, आप अपनी बात नहीं, आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप वायलेंस होके आते हैं, आप छात्र हैं, आप छात्र अपनी बात रखिए। नहीं नहीं, अरे बैठे आप सालों बैठे रहिए, अरे 25 सालों पढ़ते, 20 सालों पढ़ते हैं सर, दो महीने बाद आप लोग भी आएंगे। नहीं नहीं, वो तो आएंगे, राजनीतिक चर्चा नहीं आएंगे, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं, कहा ना कि आप अपनी सही बात को सही तरीके से नहीं कर पाते, टमाटर पड़े हैं यहाँ पर, चुनावी चर्चा नहीं। नहीं नहीं, करिए करिए, कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हम भारत को एक बार पुनः विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। जब शिक्षकों को लाठियों से मारा जाएगा, उनका हक उन्हें नहीं दिया जाएगा, उनकी योग्यता का सम्मान नहीं किया जाएगा और ढिंढोरा पीटा जाएगा कि हमने योग्यता का सम्मान किया है, हमने योग्य पिछली सरकार के इतिहास देख लीजिए, उनकी सारी सारी भर्तियां जिस परीक्षा में सारी सारी भर्तियां फंस गई हैं और उसमें जो अधिकारी थे जेल गए हैं। हम सब पिछली सरकार की, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप वायलेंस से नहीं, मैं चाहता हूँ कि अभी हमको न्याय, आप अपनी बात रखिए और आज आप गिरा पाएंगे बताइए, इसी दल के बहकावे में आके आप अपनी बात रखेंगे तो उचित नहीं। मैंने कहा ना कि पिछली सरकार की सारी भर्तियां आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मानते हैं कि नहीं, बता दीजिए, सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आप मानते हैं कि नहीं? 37,000 ये जो पद थे, ये समायोजन के पद थे, ये कोई नई वैकेंसी नहीं है और इनको 6 माह में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार भरा जाना था। योगी जी एक संत है, एक छत्री है, कहावत कही गई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अगर इतनी बातें कही गई है छत्री वंश के लिए, और योगी जी ने एबीपी गंगा में स्वयं आकर के कहा था कि हम 1,37,000
20,000 शिक्षक प्राथमिक भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन यूपी में योग्य शिक्षक नहीं है। पिछले 6 माह से 21 जून योग दिवस के दिन से हमारे भाई बहन यही बता रहे हैं कि हम योग्य हैं, हमने आपके हर मानक को कहीं ज्यादा नंबर से क्वालिफाई किया है। जो आपने कट ऑफ रखा था, जो क्राइटेरिया रखा था, उससे कहीं ज्यादा नंबर लाके आपने 90 और 97 रखा, वहाँ 120-121 नंबर वाला बच्चा बैठा है, उसके साथ सिर्फ एक ही समस्या है सर, कि वो बीजेपी के समय का, कल्याण सिंह के समय का उसका अकेडमिक है, और सर अकेडमिक कभी नहीं बदला जा सकता। और आप सर एक चीज और कहना चाहती हूँ, सपा की सरकार आई थी, थोड़ा सा सर 2 मिनट का समय चाहती हूँ, सपा की सरकार आई थी, उन्होंने कांस्टेबल की भर्ती किया था अकेडमिक के दम पे, और एकेडमिक को इतना क्रिटिसाइज किया था बीजेपी ने, इतना क्रिटिसाइज किया था, और जगह जगह यही बोलते थे कि यूपी की जनता माफ नहीं करेगी, योग्यता का आधार एकेडमिक कैसे हो सकता है। और आज वही एकेडमिक लगा करके 3 नंबर कॉमन दे करके अयोग्य व्यक्ति जो डिस्क्वालीफाई थे उनको क्वालिफाई करा दिया कॉमन नंबर देके, और इसके बाद एकेडमिक के दम पे उनको आपने नौकरी दे दिया, और उसी वर्ग विशेष का बच्चा जिसने परीक्षा में टॉप किया, अपना 100% दिया, आज वो धरने पे बैठा है, लाठियां खा रहा है, 61 बच्चे जेल जा रहे हैं सर, आखिर कब जागेंगे आप? ठीक है। और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जब जब युवा बोला है सिंहासन भी डोला है, ठीक है, प्लीज प्लीज देखिए, राजनीतिक मुद्दा करेंगे, मैं चर्चा खत्म करूंगा, राजनीतिक नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रमुख मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव करीब है, और उस बीच इस तरह के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जिसमें सबसे अहम है 69,000 शिक्षक भर्ती का ये जो मामला है, जिसको लेकर लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अभी भी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार से उनकी गुहार इतनी है कि कोई रास्ता निकाला जाए। और हमारा भी यही प्रयास है, हमारी भी यही कोशिश है कि सरकार की तरफ से कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है इनके प्रदर्शन को। फिलहाल अब विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को टेक ओवर कर लिया है और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर सरकार की तरफ से क्या फैसला होता है। आज की डिबेट में इतना ही, मैं दिजनमति, नमस्कार।